Hey guys, welcome back to my channel, Akhil Arora Fitness. और ये है एक नई सीरीज और इसमें मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपनी फ्रेंड को. Hey guys, this is Bhavna Karikar. I'm going to collaborate with this channel. And this channel is called Akhil Arora Fitness Channel. So today we are going to start a series for both men and women. So especially this is for beginners. Yeah, this series is specially for the beginners. तो beginners के लिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत basic से start करूँगा. आज की जो मैं एक्सरसाइज लेने वाला हूँ वो है फ्री स्क्वाट की मैं बात करूंगा. अब जब फ्री स्क्वाट की बात करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसमें बहुत गलतियां करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं. ये एक्सरसाइज देखने में जितनी इजी लगती है, इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं. तो सबसे पहली चीज़ मैं बात करूंगा शूज़ की. हाँ, शूज़ में क्या होता है कि जब आप लेग का वर्कआउट कर रहे हैं एंड इवन जब आप शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे एक गलती जो नहीं करनी वो है स्पोर्ट शूज़ कैरी नहीं करने. क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ में क्या होता है, जो उसकी सोल होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है. तो जब आप लेग्स का वर्कआउट करते हैं, वहाँ पे जो आपके जो सोल होनी चाहिए वो जितना हो सके आप फ्लैट उसमें यूज़ करें. सबसे बेस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो अपने कॉन्वर्ट शूज़ होते हैं या जो स्कूल के टाइम पे हम पहनते थे उस टाइप के, अगर आप तो आप उस टाइप के शूज़ कैरी कर सकते हैं जब आप लेग और शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हैं. अब इसके बाद पोजीशन की बात करता हूँ मैं. तो जो आपके लेग की पोजीशन है, आपको शोल्डर लेवल से थोड़ा सा उसको आउट रखना है और जो टोज भी होंगे वो थोड़े से आउट होंगे, हल्का सा एक इंच आपको थोड़ा सा उसको आउट की तरफ रखना है. और जब आप नीचे जा रहे हैं, जो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, बहुत लोग क्या करते हैं, आपको बिकॉज आपको क्या है, आपको इमेजिन करना है कि आप एक चेयर पर बैठ रहे हैं. बट लोग क्या गलती करते हैं, पहले भावना बताएगी कि लोग मिस्टेक क्या करते हैं. जैसा कि भी आपने देखा, आपने इसमें क्या किया, जो आपके नीज थे, आपने नीज को उसमें पहले मूव किया, नीज की मूवमेंट आपकी पहले रही थी. बट जब आप चेयर पे बैठते हैं तो वहां पे आप अपने जो हिप्स हैं, अपने हिप्स को पहले पीछे की तरफ पुश करते हैं और उसके बाद जो है आपकी जो नी की मूवमेंट है वो थोड़ी सी आगे आती है. अगर मैं बताऊं कि इसमें एक लोगों को गलत फहमी ये है कि आपका जो नी का लेवल है और जो आपके टो का लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए. ये बिल्कुल सही है, बिकॉज बैलेंस रखने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नी का लेवल है वो आपके टोज से बिल्कुल इक्वल होना चाहिए. बट जिन लोगों की लेग्स बड़ी है, मतलब जिन लोगों का, अगर मैं बॉडी प्रोपोर्शन की बात करूँ, जिनकी लेग्स ज़्यादा लॉन्ग होती है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली उनके जो नीज है वो टो से थोड़ा आगे जाता है, तो वो इतना कोई मेजरली कंसर्न वाली बात नहीं है. इट्स जस्ट लाइक कि आपकी फॉर्म सही होनी चाहिए जब आप वो वर्कआउट कर रहे हैं. क्योंकि आपको क्या, आपका जो मेन फोकस वो क्या होना चाहिए, जो मैं बोलता हूँ माइंड और जो मसल का कनेक्शन है, वो सिर्फ इस चीज़ पे होना चाहिए कि आप क्वाड्स को फोकस करें. जो आपकी प्राइमरी मसल इन्वॉल्व हो रही है वो आपके क्वाड्स हैं, उसके बाद जो सेकेंडरी मसल्स है वो आपके ग्लूट्स हो गए और उसके बाद आपके हैमस्ट्रिंग्स हो गए. बट जो प्राइमरी मसल इसमें इन्वॉल्व होती है वो आपके क्वाड्स होते हैं. तो जब आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सो जस्ट फील कि आपको जो पेन है वो आपके क्वाड्स पे होना चाहिए. अब मैं बताता हूँ इसकी कि आपका जब आप नीचे जा रहे हैं तो कितनी पोजीशन, एज यू कैन सी जो 90 डिग्री लेवल है उससे थोड़ा सा आपको नीचे जाना है. और गलती लोग क्या करते हैं, और इससे भी और नीचे जाते हैं लाइक दिस. उसमें क्या है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है. सो व्हेन यू आर गोइंग डाउन टिल 90 डिग्री या उससे थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या, आपके लेग्स पे जो है ना कॉन्ट्रैक्शन रहता है, तो वो आपको वो जो पेन है ना वो आपको फील होगा. बट जब आप पूरा नीचे चले जाते हैं तो वहां पे क्या है, वो कॉन्ट्रैक्शन टूट जाता है, जो कि एक गलत चीज़ है, जो कि एक ख़राब चीज़ है. तो ये आपको ध्यान रखने कि आप जब नीचे जा रहे हैं, अपनी बॉडी को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आपको कितने लेवल तक लेके आना है, और जब ऊपर लेके आ रहे हैं तो वहाँ पे आप स्ट्रेच करें. अब मैं बताता हूँ ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, इसमें जो प्रोसेस रहता है वो कैसे रहता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो लोग, बहुत से लोग इनिशियल स्टेज पर अगर ये चीज़ याद रखेंगे ना, अगर ध्यान में रखेंगे ना, तो आगे के लिए उनके बहुत अच्छा रहेगा. बहुत लोग अवॉइड करते हैं ये चीज़. So now first thing which you have to do is you have to breathe out. Breathe in, okay? So when you breathe out and breathe in and just hold the breath, and when you hold the breath then you have to go down, okay? So I'm going to do this. So when you're going down you have to hold the breath. जब आप नीचे जा रहे हैं आपको अपनी सांस को रोकना है, ऊपर आ रहे हैं आप मुंह से उसे एक्सहेल करें, उसके बाद दोबारा इनहेल करें, और फिर दोबारा जब आप नीचे जा रहे हैं तो उसको होल्ड करें. अब मैं आपको एक और बताता हूँ मिस्टेक, और वो है कि जब वो नीचे जाते हैं, स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ओवरवेट हैं, या वो लोग जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लिफ्ट करते हैं, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि जब वो नीचे जाते हैं और जब वो ऊपर आते हैं तो वो अपने टोज से
अपने टोज से अपने आप अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, अपनी हील्स जो है लाइक दिस, आपको अपनी हील से अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करना है। Especially when you are doing this exercise, you have to keep balance both with your toes and heels. So whenever you are getting up, you have to keep a pressure on your heels and then you have to get up. Right. You don't have to keep pressure on your toes. तो गाइज ये थी हमारी वीडियो स्क्वाट्स के बारे में। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है जब आप स्क्वाट्स कर रहे हैं। और बहुत ही बेसिक हमने अपनी तरफ से जितना हो सका है बेसिक पॉइंटर्स आपको देने की कोशिश की है, जितना इजी हो सका है उतने इजी वीडियो को बनाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो फिलहाल हम आज ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे, थैंक यू, बाय बाय।